पहाड़ों में पलायन रोकने के तमाम दावे सरकार करती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो स्थानीय लोग पहाड़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, वो ही पलायन को रोकने के जो प्रयास हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। बीरो खाल में यहाँ पे नेगी जी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा एक होटल रेस्टोरेंट बनाया है। नेगी जी, जो आपने यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, होटल बनाया हुआ है, ये यहाँ पे जो आपने काम शुरू करा है, कब से शुरू किया है, क्या क्या परेशानी? ऐसा है सर, परेशानियाँ तो बहुत हुई, लेकिन जो है कि जैसे सरकार बड़े बड़े दावे करती है पलायन को रोकने के बारे में, तो मैं खुद भी यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो जो है कि पलायन को मेरा मानना यह है कि दूसरे को बदलने से पहले जो है कि खुद को बदलना चाहिए। तो मैंने कोशिश रही मेरी कि जो है कि हम यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पलायन को रोकने, मतलब जितनी हमारी भूमिका हो सकती है हम वो निभाने की कोशिश करते। तो मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो भी हमने कर्जा लेकर इधर उधर से मैंने रेस्टोरेंट बनाए, तो मैंने यहाँ पे कम से कम 8-10 लड़कों को इस टाइम रोज़गार दे रखा है। और मेरा प्रयास है कि मैं आगे भी इसको, मतलब जो है कि अगर सरकार मेरी मदद करती है, जैसे हम यहाँ से हमारे क्षेत्र से हमने जो है कि लोन के लिए मैंने एक बार अप्लाई किया था, तो पता नहीं क्यों, मतलब यहाँ पे जो है कि सारे काम होने के बावजूद जो है कि बैंक वाले लास्ट में जो है कि यहाँ पे मतलब जो है कि लोन नहीं देते हम लोगों को, वो नहीं करते हैं गारंटर का। तो सर यही प्रयास है मेरा कि मैं यहाँ पे, कोशिश ये है मेरी कि मैं जितना ज़्यादा हो सकूँ मतलब अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकूँ। ये जो इलाका है पौड़ी से लेकर रामनगर तक, इस इलाके में कोई भी सरकारी बंगला, गढ़वाल मंडल विकास निगम का कोई गेस्ट हाउस नहीं है, और करीब पौड़ी से 130 किलोमीटर दूर ये जगह है, और 110 किलोमीटर यहाँ से रामनगर है, और कोटद्वार भी लगभग इतनी ही दूरी पर है, और 250 किलोमीटर की इस दूरी में पौड़ी से रामनगर तक, जब यहाँ से कई लोग पौड़ी से हाईकोर्ट नैनीताल जाते हैं या रामनगर से इस इलाके में आते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क है रामनगर के पास, और उसके बाद जब ये इलाका शुरू होता है तो यहाँ पे इस इलाके में जोगी मड़ी है, उफरे खाल है, तमाम किस्म के खूबसूरत इलाके हैं। तो आप लोग जब भी इस इलाके में आएँ, आप यहाँ पर ही नेगी जी का जो यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे खाना खा सकते हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, और ऐसा करके आप जो लोग वाकई हकीकत में पलायन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं। जागो उत्तराखंड के लिए बीरो खाल पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।